हेलो, आज हम बना रहे हैं मूंग दाल, मूंग पुलाव बना रहे हैं। इसके लिए आधा कप हमने मूंग, ऐसे साबुत वाली मूंग होती है, उसको पहले भूगोल दिए 7-8 घंटे, फिर उसको ऐसे बॉयल कर लिया। उसको ज्यादा बॉयल नहीं करना, ऐसे रखना। एक कप हो गया, 1 कप मूंग, प्याज काटा हुआ, लहसुन अदरक और हरी मिर्च पेस्ट, नींबू, ये तेज पत्ता, दालचीनी के ऐसे टुकड़े 2-3, 3-4 काली मिर्ची और लौंग, 1 हरी इलायची, जीरा, धनिया काटा हुआ, धनिया की डंडी जो होती है ये वाली, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक, टमाटर प्यूरी, टमाटर पीस पेस्ट, उबले हुए राइस, मूंगफली कुटी हुई ऐसे दरदरी पीसी हुई, तेल और घी। अब कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, पहले तेल डालेंगे, 2 टेबल स्पून डाल लेंगे, इसके साथ 1 स्पून देसी घी डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा होता है और ज्यादा बढ़ता है। अभी हमारा घी और तेल गर्म हो गया, इसके अंदर जीरा, 1 स्पून जीरा डाल देंगे, ये खड़ा मसाला है, इसके तेज पत्ता, दालचीनी के 2 पीसेस ऐसे, एक हरी इलायची, इसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ के डाल देंगे, 2 लौंग है और 4 काली मिर्ची है। अब इसके अंदर 1 बड़ा साइज का प्याज काटा हुआ डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। अभी हमारे प्याज है जो ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर हम जो 8-10 कली लहसुन है और अदरक का 1.5-2 इंच का टुकड़ा और 1.5 हरी मिर्ची, आप टेस्ट के अनुसार जैसे आप तीखा खाते डाल लेना, ये इसके अंदर आप डाल दें। क्रश करा हुआ उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए हम क्रश करके ही डाल दें। अभी हम ड्राई मसाले डालेंगे इसके अंदर, 1 छोटा स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून पीसा हुआ धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर रोस्ट करके इसको पीसा है हमने, ये 1/2 स्पून जीरा पाउडर, इसको भी रोस्ट करके पीसा है, स्वाद के साथ नमक डाल देंगे, 1 छोटा स्पून डाला हमने। अब इसके अंदर जो 2 बिग साइज के टमाटर है, उसकी प्यूरी बनाई है, उसको डाल देंगे, थोड़ा जो चावल है थोड़े लस से रस भरे हो जाएंगे, अच्छे से लगते हैं वो। एक बिग साइज का 1 बड़ा स्पून कुटी हुई मूंगफली दरदर से पीसी हुई। अब इसके अंदर उबला हुआ मूंग, इसको हमने पहले 6-7 घंटे भिगो दिया था, उसके बाद इसको कुकर में, इसको बिसल नहीं दलानी, जब जैसे ही कुकर में प्रेशर शुरू होता है बढ़ना, वैसे ही बंद कर देना, इसको ज्यादा गलाना नहीं, ऐसे ही खड़ा रखना है इसको, बहुत टेस्टी पुलाव बनता है, ये हेल्दी भी बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी थोड़ा सा बंद फोटो जैसे ना पानी डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर, अभी ये धनिया की डंडी जो होती है उसको हमने ऐसे बारीक बारीक काट लिया, जो उसकी जिसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा काटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, अब इसके अंदर उबले हुए चावल, ये 1 गिलास चावल है, इसको बॉयल कर लिया ऐसे, जो 2-3 लोग के लिए खा सकते हैं इसको आराम से।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके अंदर हाफ नींबू ऐसे जोड़ देंगे, अच्छा लगता है इसमें थोड़ा सा, बस मिक्स कर लेंगे। हमारे जो पुलाव है, जो मूंग पुलाव है, रेडी हो चुका है। हमारा मूंग पुलाव रेडी हो चुका है, खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। आप खाना बनाना और खाना सबको खिलाना, और हमारे चैनल को शेयर करना, कमेंट करना।